ऐसा है जयंत पाटिल या विपक्षी सारे नेता ये पहले ही लिखकर लाते हैं कि बजट पर क्या बोलना है। तो बजट हम कैसा भी पेश करते तब भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती, स्टीरियोटाइप प्रतिक्रिया है। उनके चेहरे पर नूर नहीं है, चेहरे की चमक चली गई है। जो उनको लगता था झूठा नरेटिव फैलाकर लोकसभा में चंद सीटें जीत गए उसका जो उत्साह था, आज के हमारे बजट ने उनके उत्साह को समाप्त कर दिया है। एक बहुत ही रियलिस्टिक वास्तववादी इस प्रकार का बजट हमारे अर्थमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने पेश किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, हमारे नेता मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए जिस प्रकार से इस बजट ने नए दरवाजे खोले हैं, मैं ऐसा मानता हूं एक ऐतिहासिक ऐसा बजट है जहां एक ओर किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दूध के लिए, सोयाबीन के लिए, कपास के लिए मदद मिल रही है और महिलाओं को मदद मिल रही है, हमारे युवाओं को इस बजट के माध्यम से 10,000 रुपए अप्रेंटिस का मिल रहा है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये सारी बहनाओं का कल्याण कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा अर्थसंकल्प बजट हमारे अर्थमंत्री ने रखा है और मैं दावे के साथ कहता हूं जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, जो टाइमलाइन दी है उस टाइमलाइन में करके दिखाएंगे।